Good morning, students. Today, once again, we are going to continue with our first chapter of computer programming using C. Before going forward, we will just look ahead what we have learned in our previous lecture. So moving forward, we learned what is computer programming. We have checked out what is program. Then we have learned about steps of development of program. This question is going to be important for this chapter. So steps in development of program, which is containing problem definition, problem analysis, program design, coding and documentation, testing and debugging, maintenance, so on. We have learned little bit theory part of this, each and every steps. So today we are going to be continuing with our new topic, which is what is algorithm. An algorithm is a step-by-step instruction set for solving a problem or completing a task. For writing any algorithm, the following has to be known: input, task to be performed, output, expected. So basically algorithm kya hai? Algorithm humne padha tha, hamare ek step ke andar aata hai. Wo kaun sa tha? Design. Jab hum design taiyar karte hain program ka, tab hum algorithm create karte hain. Algorithm kya hai? Algorithm step by step instructions hai. Means एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते हैं. जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं. और यूजुअली वो कह रहा है कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो तीन इंस्ट्रक्शन का यूज होता है: इनपुट, टास्क टू बी परफॉर्म, आउटपुट, एक्सपेक्टेड. सो ये तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं जब हम एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं व्हाइल क्रिएटिंग ए प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम क्रिएट करने टाइम हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं. और उस एल्गोरिथम में हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं: इनपुट, इनपुट के बाद बात करें टास्क टू बी परफॉर्म, उसके बाद बात करें आउटपुट, एक्सपेक्टेड. सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम. पहली एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ये एग्जाम्पल है: राइट एन एल्गोरिथम टू एड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर. हमें एक एल्गोरिथम लिखना है किसका, दो नंबर ऐड करने का जो यूजर एंटर करेगा. सो हम चेक कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप वन क्या हमने लिख दिया, स्टार्ट. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ऑब्वियस है प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद अब याद करें हम एल्गोरिथम की कौन सी तीन चीजें थी, एक बार पीछे जाके हम देख रहे हैं. पहली थी इनपुट, फिर जो टास्क परफॉर्म करना है, फिर आउटपुट जो एक्सपेक्ट करनी है. सो स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल्स. हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए नंबर वन, नम वन, नम टू एंड सम. ये वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें कि हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें वेरिएबल्स चाहिए, मतलब हमें नंबर चाहिए. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर दोज विच कंटेन्स वैल्यूज. वैल्यूज कंटेन करेंगे जो नंबर्स कंटेन करेंगे, राइट. तो हमने दो नंबर का सम करना है तो हमें ऑब्वियस है तीन नंबर चाहिए, एक दो नंबर जो हमें सम करना है और तीसरा जिसमें हम आंसर को इनपुट करवाएंगे. सो हमने क्या किया, सबसे पहले रीड वैल्यू नम वन एंड नम टू. हमने क्या, यूजर से जो वैल्यूज लिए हैं उनको रीड किया. फिर उसके मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया हमारा आई, आई स्टैंड फॉर इनपुट. फिर हमने क्या किया, एड नम वन एंड नम टू, num1 और num2 को ऐड करो और असाइन द रिजल्ट टू सम. दोनों नंबर को ऐड की और करें और करने के बाद सम में इसको क्या करते हैं, स्टोर करा दें. मतलब हमारा ये प्रोसेस जो होगा सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ये से प्रोसेसिंग. दिस वन इज समथिंग जो हम प्रोसेस करते हैं. मीन्स एल्गोरिथम में तीन चीजें होती हैं, पहली होगी इनपुट, फिर होगी प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, डिस्प्ले सम. सम डिस्प्ले करते हैं, सम में क्या आएगा, जो आंसर होगा. और लास्ट स्टेप स्टॉप. मींस एल्गोरिथम क्या, हम अपनी लैंग्वेज में जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं प्रोग्राम में, वो हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो दैट जब हमें कोडिंग करने पड़े तब हम एल्गोरिथम को चेकआउट करके उसकी कोडिंग बड़े आराम से कर सके, राइट. तो ये हमारा सिनेरियो है आज का, हमने ये एग्जांपल देखी है. अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग टू डिफरेंट नंबर एंटर्ड बाई यूजर. यूजर ने दो नंबर एंटर किए हैं, दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है वो फाइंड करने का हमने एल्गोरिथम बनाना. अब यहाँ पर चेक करें तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, दो नंबर. दो नंबर मतलब दो वेरिएबल, किसी थर्ड में डलवाने तो नहीं है, नो नहीं डलवाने. मतलब हमें टोटल वेरिएबल कितने चाहिए, टू वेरिएबल्स. सिमिलरली स्टार्ट किया गया, यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद दो वेरिएबल लिए ए बी. अब ये वेरिएबल के नेम वेरी कर सकते हैं, आप जो मर्जी नेम लिखना चाहो आप लिख सकते हो.
राइट, पिछले में हमने लिखा नम वन नम टू, यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी, इट कैन बी एनी, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिक्लेयर वेरिएबल फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, राइट। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए बी, उसके बाद क्या किया रीड वेरिएबल्स ए बी, जो वेरिएबल डिक्लेयर किए उनको क्या करा दिया रीड करा दिया। रीड भी करा सकते हैं यहाँ पर, यूजुअली अगर रीड की जगह हम इनपुट लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, नहीं इनपुट लिखेंगे तो भी वो ठीक है, रीड लिख रहे हैं तो भी वो ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। सो हमने रीड करा लिया ए बी को, इनपुट करा लिया यूजर से, उसके बाद क्या किया हमने, हमने उसके बाद प्रोसेसिंग की, अगेन दिस वन इज इनपुट, प्रोसेसिंग कैसे की, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो डिस्प्ले करा दे, आउटपुट करा दे ए इज लार्जेस्ट नंबर, अगर ए से ए बी से बड़ा नहीं होगा तो डिस्प्ले करा दे बी इज लार्जेस्ट नंबर, और एंड में हमने क्या कर दिया स्टॉप कर दिया। ये एक सिंपल प्रोग्राम है जो दो डिफरेंट नंबर में लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम अगर सोचें वो वाला केस हमने नहीं डिफाइन किया, कौन सा केस नहीं डिफाइन किया हमने, कि जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोग्राम में देखें ए और बी की वैल्यू, लेट सपोज ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, अगर हम 2 और 3 का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है, फॉल्स होगा तो इफ कंडीशन ना चल के एल्स कंडीशन चलेगी जिसमें आ जाएगा डिस्प्ले बी इज ग्रेटर, बी की वैल्यू क्या है 3, तो ग्रेटर कौन है बी, तो ऑब्वियस है सही आंसर हमें डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन है हमें टू डिफरेंट नंबर्स, अगर यहाँ पर टू डिफरेंट नंबर्स ना होते, यहाँ पर मेंशन होता राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, तो हमारे पास केस एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाने थे, जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर देखो अब क्या कर दिया, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर्स, दो में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने। अब यहाँ पर डिफरेंट नंबर का जिक्र नहीं किया, मीन्स अब दो नंबर जो हम ए और बी की वैल्यू दे रहे हैं, ए बी की वैल्यूज दे रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, 3 2 भी हो सकते हैं, और 3 3 भी हो सकते हैं, राइट, मीन्स इट कैन बी एनी नंबर, कुछ नहीं हम ये मेंशन नहीं कर रहे यही होंगे, कोई भी हो सकते हैं, राइट, सेम भी हो सकते हैं। सो अगर यहाँ पे नंबर सेम हो जाते हैं तो ये एल्गोरिथम ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, स्टार्ट डिक्लेयर्ड वेरिएबल ए एंड बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए अगेन ए एंड बी, उसके बाद हमने क्या है रीड वेरिएबल ए एंड बी, दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, उसके बाद अगेन इनपुट किया रीड किया, उसके बाद हमने कंडीशन, पहली कंडीशन लगाई इफ ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर जो सिंगल इक्वल टू है और जो डबल इक्वल टू है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, जब हम चेक कर रहे होते हैं कि दोनों क्योंकि वैल्यूज कंपेयर कर रहे होते हैं तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। हमने यहाँ पे लगाया इफ ए इक्वल टू बी डिस्प्ले बोथ नंबर आर सेम, एल्स, एल्स के बाद एक और इफ कंडीशन लगा दी इफ ए इज ग्रेटर देन बी डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट नंबर, एल्स डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट नंबर, और एंड में हमने क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, राइट। सिंपल सा है, सिमिलर है जो पिछली हमने एग्जांपल देखी, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। थोड़ा सा क्या चेंज आया कि इसमें अब सेम नंबर का केस भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से हमारी एक कंडीशन एक्स्ट्रा होगी, पहले हो रहा था इफ और एल्स, अब हमारे पास क्या है दो केस नहीं है, अब हमारे पास तीन केस है। अब क्या है ए और बी सेम भी हो सकते हैं, ए ग्रेटर भी हो सकता है, बी ग्रेटर भी हो सकता है, तो ये थ्री केसेस के लिए हमने थ्री कंडीशंस लगा दी। इन शॉर्ट एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक ऐसा सीक्वेंस है जो हम अपने लिए लिखते हैं सो दैट डिजाइनिंग टाइम के जब हम कोडिंग करें तो वो एल्गोरिथम को देख के हम कोडिंग आसानी से कर सके, ये मेरा मेन एम है एल्गोरिथम को डिफाइन करने का। फर्दर चले एक और एग्जांपल है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री डिफरेंट नंबर, अभी तक हमने दो नंबर का लार्जेस्ट देखा था, थ्री का देखना, अब यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। स्टार्ट हो रहा है डिक्लेयर हो गए वेरिएबल, तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए ए बी सी, अब वेरिएबल इनपुट हो रहे हैं ए बी सी, उसके बाद कंडीशन लगी इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या हो, अगर अब यूजुअली अब तीन नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, अब कैसे चेक करते हैं अगर तीन नंबर हैं, एक है 5, एक है 6, एक है 8, अगर हम मैनुअली हम किसी इंसान से बोले तो वो फटाफट आंसर दे देगा 8 इज ग्रेटर, बट कंप्यूटर के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के लिए हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो एल्गोरिथम कैसे, हम कैसे फाइंड करते हैं तीन में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हम तीन नंबर चेक करते हैं, जैसे हमने बोला 2 4 8,
अब हमें सबसे बड़ा नंबर हम सीधा दिख रहा है 8, क्यों? क्योंकि 8 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा। सिमिलरली हम यहाँ पर जब हमने चेक किया a इज ग्रेटर देन b, हम साथ में ही उसके अंदर दोबारा चेक कर लेंगे a c से भी बड़ा है, a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से भी बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा, तो ऑब्वियस है जो a नंबर है वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। सिमिलरली अगर a b से बड़ा है, a c से बड़ा है, तो डिस्प्ले हो गया a इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स अब ध्यान से देखना ये पॉइंट, एल्स c इज लार्जेस्ट नंबर। ये c क्यों आया, b क्यों नहीं आया, रीजन देखो। अब यहां पर a जो था b से बड़ा था, मींस a की वैल्यू थी जो b से ग्रेटर है। जब अंदर आया a की वैल्यू c से ग्रेटर नहीं है, मतलब जो c है वो a से बड़ा है, तो अब हमें c को b से कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b से ऑलरेडी a ग्रेटर था। इसलिए हम बहुत सिंपली वे से अंदर लिख सकते हैं c इज द लार्जेस्ट नंबर। सिमिलरली एल्स लगाया, उसके बाद हमने चेक किया इफ b इज ग्रेटर देन c, राइट, मतलब अब a बड़ा नहीं है, हमें पता लग गया, ठीक है, यहां से a इज ग्रेटर देन c से हमें पता लग गया a जो है बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद हमने चेक किया b इज ग्रेटर देन c, जब a बड़ा नहीं था b c से बड़ा है। अब उसके अंदर हमें दोबारा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि b a से बड़ा है या नहीं, राइट। तो उसके बाद हमने लिख दिया डिस्प्ले b इज द लार्जेस्ट नंबर, एल्स डिस्प्ले c इज द ग्रेटेस्ट नंबर, और वी कैन राइट लार्जेस्ट नंबर। यहां पर भी लार्जेस्ट आ जाइए, बिकॉज ऊपर से हम सभी में लार्जेस्ट लिख रहे हैं, तो यहां पर ग्रेटेस्ट नहीं लिखेंगे, तो एंड में हमने फिर स्टॉप कर दिया, राइट। तो सिंपल से एग्जांपल है जो हमें ओवर थ्रू कर रहे हैं हम, कि तीन नंबर हैं, तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा। जरूरी नहीं है यही हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से ये एल्गोरिथम हो सकता है, राइट। तो अब ये जो नेक्स्ट है, ये आप लोग स्टूडेंट्स आप सभी ट्राई करेंगे। इसमें क्या है, इसमें है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर था थ्री डिफरेंट नंबर, अब यहाँ पर एक वो केस भी है जहाँ पे वैल्यू सेम है तीनों, राइट। तो इसका एल्गोरिथम आप लोगों ने ट्राई करना है, वी विल डिस्कस फर्दर, हम डिस्कस करेंगे ये एल्गोरिथम का आंसर क्या होगा, राइट। तो देयर वाज इनफ फॉर द टुडेज टॉपिक। सो आज हमने पढ़ा एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, इसको हमने प्रॉपरली डिस्कस किया आज के लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, ये हमारे चैप्टर वन के टॉपिक चल रहे हैं। अब हमारे पास चैप्टर वन के सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।